सेगांव में निशुल्क सर्व रोग निदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 600 से अधिक मरीज पहुंचे। सेगांव स्थानीय पैराडाइज एकेडमी स्कूल में देवीश्री जन सेवा समिति के तत्वाधान में पहली बार निशुल्क सर्व रोग परीक्षण निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सहकारी नेता बोंदर सिंह मंडलोई, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, सरपंच शांतिलाल चौहान, डॉक्टर प्रकाश गोस्वामी, डॉक्टर मोहित पटेल, डॉक्टर हार्दिक गुप्ता द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में 600 से अधिक सेगांव, खरगोन, ऊन, नांगलवाड़ी, जुलवानिया, ओझर, रसगांव, घेगांव व लोनारा के मरीज उपचार के लिए पहुँचे। सर्व रोग निदान शिविर में डॉक्टर गोविंद मुजालदा व इंदौर की फार्मा ग्रुप द्वारा निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं निदान लेब द्वारा आधी कीमत में जांचें की जा रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर प्रकाश मंडलोई ने बताया कि हम सभी मित्र जो इस सेगांव की मिट्टी से खेल कूद कर पढ़े लिखे और इस काबिल बने हैं, इसलिए हम करीब 5 मित्र निशुल्क निदान शिविर का आयोजन कर मिट्टी का कर्ज चुकाने आए हैं और हमारे साथ करीब 20 और चिकित्सक मित्रों को भी लाए हैं। हमें इस शिविर में हमारे मित्रों व नगर वासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस अवसर पर नगर के सुनील पाटीदार, हरिओम यादव, विनोद गुप्ता, रवि गुप्ता, सचिन गुप्ता, कपिल मुजालदा, कमल चौहान, जेके राठौर, मोहित पटेल, कालू यादव, महेंद्र राठौर, शांतिलाल चौहान ने भी अपनी सेवाएं दी। शिविर का संचालन पप्पू यादव ने किया। इस दौरान शिविर में जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोलंकी, प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान, नायब तहसीलदार जागृति जाट भी पहुंची थी। देखिए, मैं राम सेगांव का निवासी हूँ। मैं इस गांव में 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं जब यहाँ से बाहर गया तब मुझे हर दिन सेगांव की याद कचोड़ती थी। मुझे यहाँ के लोगों का ध्यान आता था कि उनके जीवन में और अपन क्या कर सकते हैं। जब आज मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी और मैं जब कार्य क्षेत्र में आया हूँ तो मेरे से जो बन सकता है मैं इस गाँव के लिए करना चाहता हूँ। मैं इस गाँव की मिट्टी का कर्ज उतारना चाहता हूँ। आर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।